हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन चालू था, जिसके अंदर इंडिया की जितनी भी बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं वहाँ पे रेड भी किया गया था, और उसके बाद जो पूरा डेटा था उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि जितनी भी बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं वो कार्टलाइजेशन में यहाँ पे इन्वॉल्व रही हैं। और हालांकि सीमेंट कंपनीज़ की तरफ से रेस्पॉन्स भी मांगा गया है सीसीआई के द्वारा, लेकिन ये पूरा मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कार्टलाइजेशन की वजह से जो प्राइसेस हैं सीमेंट की, जो प्राइसेस है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। कार्टलाइजेशन क्या होता है इसे एक बार अगर देखें तो कार्टलाइजेशन के अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ पर हम सीमेंट इंडस्ट्री का चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है स्टील इंडस्ट्री हो या कोई भी है, तो उस इंडस्ट्री में जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, मेजर जो प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर साथ मिलेंगे। और यहाँ पे ये साथ मिलके अगर डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलके प्राइसेस जो हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, जैसे इस केस में सीमेंट है, सब मिलके इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो भी कस्टमर है या ग्राहक है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मेजर प्लेयर्स हैं सब ने यहाँ पे कोलूड कर लिया है, एक तरह से इनकी मिली भगत है और ये सब एक साथ प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर के पास कोई यहाँ पे चॉइस नहीं होगी। और इसलिए जो कार्टलाइजेशन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, कार्टल बनते हैं इस तरह से, ये बायर्स को इम्पैक्ट करता है नेगेटिव वे में, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है। कार्टलाइजेशन की वजह से जो नए एंट्री है, जो भी नए बिजनेस यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। कंपटीशन को ये एक तरह से नुकसान पहुँचाता है, लेक ऑफ कंपटीशन इंश्योर कर रहा है, क्योंकि सभी ने एक साथ मिली भगत करके आर्टिफिशियली प्राइस को इंक्रीज़ किया है। अगर इनपुट की प्राइसेज इंक्रीज़ हो रही हैं तो बात समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जानबूझ के प्राइसेज को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो फिर दिक्कत है। और ये प्राइस फिक्सिंग आप कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनोवेशन को भी हिट हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसे हम कार्टलाइजेशन कह रहे हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता जा रहा था। 2019 से चर्चा थी, 2020 में सीसीआई ने यहाँ पे रेड भी किया था, और फाइनली यहाँ पे जो हमारे सामने न्यूज़ आ रही है उसमें यही है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ कार्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का क्या है, क्या इस किस तरह से सीसीआई ने यहाँ पे एक्शन लिया। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भरद्वाज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस आप जरूर देखें। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आपकी जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और सारे ऑप्शनल इंक्लूड है, इसकी फीस अभी आपको फीस पे काफ़ी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन यूज़ द कोड RBLI टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा आपको नोट्स 2.0 जो कि करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं, कंप्लीट UPSC सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ये भी आपको फ्री प्राप्त होते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ में। देखिए, इन्वेस्टिगेशन 2019 से स्टार्ट था, जिसके अंदर जो टॉप 5 सीमेंट कंपनीज हैं उनको रेड किया गया था। 2020 के अंदर ये न्यूज़ थी कि CCI ने यहाँ पे रेड किया है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है फिजिकल फॉर्म के अंदर या फिर डिजिटल फॉर्म में उनको सीज किया गया। इवन CCI की तरफ से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से IT एक्सपर्ट को हायर किया गया ताकि इन डेटा को डिकोड किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ पे वाकई में ये कोलूड कर रहे हैं, क्या इनकी मिली भगत है प्राइस को फिक्स करने के लिए। और CCI ने ये फाइनलाइज किया है रिपोर्ट ऑन इट्स इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, सीमेंट कार्टलाइजेशन ऑपरेट कर रहा था इन द सदर्न एंड द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। सदर्न रीजन जो है ये वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, तो साउथ और ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इन्वॉल्व थे। किस तरीके से है ये देखिए, ये CCI यहाँ पे कह रहा है कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट कर रहे थे और कार्टलाइजेशन में आप इन्वॉल्व थे। कार्टलाइजेशन अभी हम देख चुके हैं क्या होता है, जिसके अंदर सभी मेजर प्लेयर साथ आके यहाँ पे कोलूड मिलीभगत करते हैं और एक तरह से प्राइस को फिक्स करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने डेटा देखा, फ़ोन कॉल्स को, ईमेल को, व्हाट्सअप मैसेजेस, इन सब को सर्च किया और एविडेंस में यहाँ पे इनको पाया गया कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है, जो ACC है, अल्ट्राटेक है, डालमिया, श्री सीमेंट, अंबुजा, ये मेजर जो सीमेंट प्लेयर्स हैं, दे वर इंडल्ज इन द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी हमारे पास जो न्यूज़ वेबसाइट से न्यूज़ है। और इसी के रिगार्डिंग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेस्पॉन्स भी मांगा है कि आप यहाँ पे रेस्पॉन्स दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ मिली है जहाँ पे आप सभी लोग मिलके प्राइस फिक्सेशन कर रहे हैं। जहाँ तक हम मेजर फर्म्स की बात करें इंडिया की, तो ये टॉप 10 आपको जो कंपनीज हैं सीमेंट कंपनीज यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम मेजर क्लस्टर की बात करें तो आपको राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये रीजन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे इंडिया के सीमेंट क्लस्टर्स हैं, मतलब सीमेंट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडिया ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, ग्लोबल लेवल पे 8% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, लेकिन इंडिया कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कर रहा है।
महाराष्ट्र यहाँ पे लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और सीमेंट इंडस्ट्री की लोकेशन को एक बार देख लीजिएगा जीएस पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखेंगे जहाँ पे लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स अच्छे हैं, ठीक है, और मार्केट के परस्पेक्टिव से भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ देखने को मिलती है। ओवरऑल सीमेंट कैपेसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट जो कैपेसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है 35%, फॉलोड बाय द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट। तो सीसीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट के अंदर हमें कार्टलाइजेशन के जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें प्रमाण मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे पर कैपिटा जो कंजम्पशन है सीमेंट का उससे काफ़ी कम है। इंडिया में 242 किलो है पर कैपिटा, लेकिन ग्लोबल लेवल पे 500 किलो से भी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इंडिया में आने वाले टाइम में सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, स्पेशली जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, चाहे गति शक्ति प्लान हो, चाहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा फोकस किया जा रहा है, तो सीमेंट की डिमांड तो बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आपके बढ़ेंगे, तो ओवरऑल सीमेंट की डिमांड यहाँ बढ़ रही है। इसलिए सरकार भी चिंतित है कि अगर सीमेंट की प्राइसेस इस तरह से बढ़ाई जाएंगी कार्टलाइजेशन के द्वारा, तो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इस वजह से ये पूरा इशू चर्चा में है और इसका संज्ञान लिया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को देखता है, उनको रोकता है और एक्शन लेता है। ये एक तरह की स्टिट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाया गया है। कंपोजिशन आप देखेंगे एक चेयरपर्सन है और नॉट लेस देन टू एंड मोर देन सिक्स अदर मेंबर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ड्यूटी क्या है, अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है तो उसको रोकना, उसको देखना और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शन लेना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। पीडीएफ सेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर ए कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको पूरे सिलेबस के कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स अपडेटेड नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के साथ में। आपको टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आपको मिलती है जीएस और सभी ऑप्शनल का एक्सेस, आप जितने भी ऑप्शनल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी ये डिस्काउंट है जिसका आज लास्ट डेट है, यू कैन यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा जो भी बच्चे 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दे कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंशन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट। 21 जुलाई से नए बैचेज स्टार्ट है जिनमें आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% ईएमआई का ऑप्शन आपको मिलता है और ये विजडम सीरीज है जिसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। हर संडे सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होता है, इस बार सुपर कॉम्बैट है। 1 घंटे में 56 क्वेश्चंस आपको करने हैं और यहाँ पे जो कॉम्बैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी सारी प्राइसेस आप जीत सकते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को ही अपडेटेड नोट्स मिलेंगे पूरे सिलेबस के। तो अगेन यू कैन यूज़ दिस अनलॉक कोड आरबीलाई। इसके अलावा पाथफाइंडर की वीकली टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।